सो फाइनली डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है. अभी हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग येलो ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन. तो अभी येलो और वाइट लग गया है. एवरीवन, सो टुडे इज 20th ऑफ अक्टूबर और परसों है पूजा. एज यू कैन सी थोड़ी सी डेकोरेशन हमने कर दी है और थोड़ी सी यहाँ भी मैंने करी अभी, बट यहाँ पे अभी ना ग्रीन वाले वो भी ऐड होंगे और सामान भी ऑलमोस्ट सारा आ गया है और अभी बस इसको कंप्लीट करेंगे और कल खाने पीने की तैयारी करेंगे और परसों है पूजा. हेलो एवरीवन, सो टुडे इज 21st ऑफ अक्टूबर और कल है नामकरण की पूजा. तो कल हमने थोड़ी सी डेकोरेशन करी थी यहाँ पे. वाइट और येलो हमने लगा दिया था, ग्रीन हमने आज ऐड कर दिया है. तो अभी अच्छा लग रहा है, आई थिंक इट्स मोर देन सफिशेंट. बाकी खाने की तैयारी चल रही है, तैयारी हो गई है. लाइक लहसुन प्याज छील के सब्जियां वगैरह धो के काटती हैं. बस अब बनाने का थोड़ा ये लग रहा है कि कोई भी मिल जाए तो अच्छा है, बिकॉज अदरवाइज मम्मी फिर किचन में ही रहेंगी सारा टाइम, तो फिर नहीं हो पाएगा. तो वी आर जस्ट होपिंग कि कोई बंदा मिल जाए हमें. वैसे हमने पहले भी पता किया था, एक लेडी थी जो बनाती थी, बट वो एंड टाइम पे उसने मना कर दिया. तो फिर अभी फिर भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा हेल्पर मिल जाए या कोई हलवाई मिल जाए जो बना दे. तो अगर वो हो जाएगा देन आई बी सॉर्टेड, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे, फिर मम्मी एटलीस्ट फ्री हो जाएंगी, तो हम पूजा की तैयारी सुबह कर सकते हैं. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कोई मिल जाए. मैडम अलग अपने ही उसमें लगी हुई हैं ब्लॉग बनाने, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है. एंड ये है मेरा मंदिर. यहाँ पे ना यार ये लड़ियाँ थी ये निकल गई हैं, तो इनको भी सेट करते हैं. मॉर्निंग एवरीवन, सो टुडे इज 22nd, टुडे इज द डे ऑफ पूजा. अभी बस उठी हूँ मैं, 7:15 हुए हैं अभी. अभी जो खाने वाला भैया मिल गया है वो आने वाला है. वैसे तो हमने सारी ऑलमोस्ट तैयारी कर दी है, कटिंग चॉपिंग एवरीथिंग इज डन. बस अभी उन्होंने आके बनाना है, तो बस अभी ड्राइवर भैया उनको लेके आ रहे हैं. बाकी रात को उन्हें दिखाया था, डेकोरेशन इज़ ऑलमोस्ट डन और घर से भी सब लोग रास्ते में ही हैं, पहुँचने वाले हैं वो भी. तो बस अब तब तक हम फटाफट से नहा के तैयार हो जाएंगे एंड देन जब वो आ जाएंगे तो देन आई कंटिन्यू द ब्लॉग. ऑल इज सेट, आई एम रेडी एंड अमायरा इज ऑल्सो रेडी. अमायरा कम, अमायरा इज ऑल्सो रेडी एंड सब लोग आ चुके हैं, बस आप पंडित जी का वेट हो रहा है. ठीक, ये आप में ऐसे आउट ही देगी. स्वाहा. So everything has done beautifully. सब बहुत अच्छे से हो गया, सबने बहुत enjoy किया. बहुत ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज इट वॉज सो मच वॉज गोइंग ऑन. पूजा हो रही थी, बहुत टाइम के बाद सब लोग मिले थे, तो वी वर जस्ट चैटिंग, फोटोज़ क्लिक किए, खाना खाया एंड अब सब चले गए हैं. बस भैया भाभी और बच्चे रुके हैं क्योंकि उनको थोड़ा दूर पड़ना था जाना, तो दैट्स व्हाई वो अभी वापस नहीं गए हैं. बस अभी वो बाहर अमायरा और वो खेल रहे हैं और मैं बस अब उठी हूँ. अभी मैं बेबी को फीड ही करा रही थी और हम बात बात कर रहे थे. बस अब मैं अपना ये साफ करूंगी और बस फिर सोएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए हैं. नामकरण इज़ डन एंड आई थिंक अभी तक सबको पता चल चुका होगा कि नाम क्या है. नाम हमने रखा है अर्जुन और ये पहले से ही डिसाइडेड था. इवन जब कंसीव किया था तब से ही वी वर यू नो इन दैट कि अगर लड़का होगा तो उसका नाम अर्जुन ही होगा. एंड इवन अगर आपने फर्स्ट ब्लॉग देखा है तो आपको पता है उसमें भी अमायरा वॉज लाइक कि मम्मा अर्जुन आया क्या, तो मैंने वो थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया था. बट येस, द नेम इज़ अर्जुन, अर्जुन शर्मा, अमायरा एंड अर्जुन. सो या नाम हो गया है अर्जुन. और बाकी अभी पंडित जी को बोला है मैंने कि इसका कुंडली वगैरह बना देना, तो वो बना देंगे कुछ दिन में. बस अब ये काम ख़त्म हो गया है, इसके बाद अब है मेरा करवा चौथ के फास्ट का उद्यापन, व्रत का मोख जिसको बोलते हैं, वो होगा.
और बाकी तो ऑलमोस्ट अभी सेट हो गया है। अभी वैक्सीनेशंस बची हुई हैं मायरा की भी और छोटू की भी, और छोटू महाराज भी आ गए हैं और पिताजी भी आ गए हैं। हाउ वाज द डे? क्वाइट हेक्टिक। या हेक्टिक बट वी हैव एंजॉयड अ लॉट। बहुत मज़ा आया, फैमिली सारी इकट्ठी हुई थी इतने टाइम के बाद। तो बस इसको सुला देते हैं और हमारी बैंड बजी पड़ी है। कुछ कहना है? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव। आई नो आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्लॉग्स एंड आई होप कि मैं कंटिन्यू बना पाऊँ। इधर छोटा दीदू सोया हुआ है, दोनों भाई लगे हुए हैं और पुत्रू कर रहा है मामू के साथ मस्ती। खिलाओ खिलाओ। जो बच्चा कल तक खुद नहीं खाता था वो खुद भी खा रहा है और अपनी बहन को भी खिला रहा है। आ हा हा हा, वेरी गुड। आपने खाना खा लिया शिवांक? ठीक है। खा लिया आपने? कहाँ लेके जा रहा है सारे? कहाँ लेके जा रहा है? चक्की नहीं हो रहे। देख लिया। मत माना, आप तो मत करो ऐसे। अच्छा मत करवा। कहाँ लेके जा रहा है? ऐसे नहीं जाएंगे। लिफाफे में डाल दूँ? लिफाफे में डाल दूँ? उतार उतार उतार, नीचे उतार। अब कैसे लेके जाएगा? रुको 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 पुत्रू, रुको रुको रुको, देखते कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है। अब नहीं ले। हाँ बैग में डाल लो। हाँ बच। क्यों डुश डुश कर रहा है बच्ची? सब चले गए इसलिए? चोट लग गई। फर्स्ट टमी टाइम, लेट्स सी हाउ मच ही कैन होल्ड। Did you like it? Did you like it? Yes? Yes? Very good. अपने खान चीज वाली है। पता नहीं उनको देखा हो ना, सब लाइट पड़ रही, दिख नहीं रहा ना। हो गया शुरू भाई। गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे इज 30th of October। बीच में इतने टाइम आई कुडंट डू इट बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मुझे फीवर हो गया था और गला मेरा काफ़ी हर्ट कर रहा है, लाइक ड्राई कफ हो गया है।
और खांस खांस के ना मेरे टांकों में फिर से दर्द होनी शुरू हो गई है, लाइक एग्जैक्टली सेम जैसा थर्ड और फोर्थ डे जो था ऑपरेशन के बाद जितना पेन था वही पेन दोबारा से होना शुरू हो गया है दो दिन से। एक्चुअली काम से और चलने की वजह से वो सब नहीं हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ कि जब मैं खांस रही थी तो बहुत ज़ोर से वो खांसी हो रही थी, उसकी वजह से फिर वो स्टिचेस पे प्रेशर पड़ रहा था। सो अभी खांसी की दवाई ले रही हूँ मैं, तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम ही बोलूँ। बस अभी हमारा स्कूल के लिए रेडी हो गई है और छोटू महाराज ले रहे हैं अपना सन बाथ, बिकॉज दो दिन से मैं निकाल नहीं पाई थी बाहर, तो आज थोड़ा सनी है तो मैंने कहा चलो आज बाहर निकालते हैं। मायरा इज़ डूइंग वेल, अभी शी इज़ फीलिंग बेटर और अभी स्कूल भी जा रही है वो, एंड छोटू इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। फिर करवा चौथ की पूजा की तैयारी शुरू करनी है हमें, आज करते हैं। सो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड और स्टार्ट करती हूँ करवा चौथ वाला ब्लॉग। सो अनटिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर विशेज़, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू।